आप देख लीजिए, इस नल में जल नहीं है। सरकार की योजना चली है, उसमें लोगों को क्या फायदा मिला? करोड़ों करोड़ रुपया ऐसा ही घर नल जल में चला गया। बाप बैठले छै, बेटा हमिल गेला। पहिने बाप तब न बेटा, बाप या फकरी में छै आ बेटा के पूरा दे देलकै इंदिरा आवास। को क्या क्या लाभ मिला? कुछ न, कुछ न। हाँ, लैट्रिन रूम मिल रहा, शौचालय मिल रहा। हाँ, इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं, नहीं। ये मधेपुरा शहर की सड़कें हैं, वार्ड नंबर 1, जो ये सड़क सीधे सिंहेश्वर की ओर जाती है। आप सीधी तस्वीर में देख ले, जैसे लगता है किसी सुदूर गांव में हम खड़े हुए हैं। और ये नगर परिषद वार्ड नंबर 1, जो मधेपुरा मुख्यालय के बीचों बीच वार्ड नंबर 1 है, विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं आपके साथ महताब। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कुछ खास होने वाला है, इसलिए कि वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता करेगी। पहले तो आपको बता दें कि मधेपुरा में वार्ड पार्षद के लिए 112 प्रत्याशी ने अपने किस्मत को आजमाया है और 15 प्रत्याशी जो चेयरमैन के रूप में खड़े हुए हैं और उप चेयरमैन 12 है, ये अपनी अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं। और इसी को लेकर हम वार्ड नंबर 1 में, नौलखिया वार्ड नंबर 1 जो मधेपुरा के नगर परिषद के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 1 में हम आए हुए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 1 में कितना विकास हुआ। इसी विकास के पड़ताल को लेकर रिपब्लिकन टाइम्स की टीम वार्ड नंबर 1 में आई है। लोगों का कहना है कि घर में नल है लेकिन जल नहीं, रोडों पर स्ट्रीट लाइट है लेकिन रात को जलती नहीं, दिन को जलती है। आइए जाने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच वार्ड नंबर 1 के बहुत सारे मोहल्लावासी हैं, बताइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। बबलू कुमार। बताइए, आपके वार्ड में, आप इस वार्ड में रह रहे हैं, क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? हर एक समस्या है हमारे वार्ड में। तो बोल रहा, अब कौन कौन सा समस्या बताए हमारे? देखिए रहे हैं, रास्ता पेरा। अच्छा, हर एक जगह कच्ची है। आप लोग का आरोप है कि रात में स्ट्रीट लाइट जलता नहीं है। हाँ, रात में तो नहीं है, जलता है दिन में, जलता है खाली दिन में जलता है। हाँ, रात में नहीं जलता, रात में नहीं जलता। आपके वार्ड में साफ सफाई के लिए बराबर कर्मी आते हैं? नगर पालिका का कहना सब वार्ड में साफ सफाई होता है। आता है कभी काल, आता है कभी काल आता है। और ये रोड के लिए, जब बरसात का समय होता होगा तो रोड में तो जल जमाव की समस्या होती होगी, नाली नहीं है, उसके लिए निकासी नहीं है, उसकी समस्या होती तो कहीं है ये ना। अच्छा, पानी हर एक जगह देखिए लगा हुआ है ना। अच्छा, तो आप लोगों ने नगर परिषद में या वार्ड, अपने वार्ड पार्षद से इस जन समस्या को उठाया कि नहीं उठाया? वार्ड पार्षद तो हमारे गाँव का है, तो इसमें हम लोग क्या उठाएंगे, वो तो अपना देखिए रहा है सारा चीज, वो नहीं चलता है रोड पर, देखता नहीं है। आइए, हमारे बीच और भी मोहल्ला के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपके वार्ड में जो नगर परिषद के अंतर्गत नौलखिया वार्ड है, वो आपका कितना विकास कर पाए हमारे वार्ड पार्षद आपके मोहल्ले में? पूरे विकास कर दिया है, तो देखते ना रोड नाला कितना चौड़ा है, कितना गहीर है कि ऊंच है। और मैंने, आप क्या आशा रखते हैं कि विकास जो है, जो होना चाहिए वो विकास, आप उस विकास से संतुष्ट नहीं है? हम लोग संतुष्ट का है, उतना बढ़िया बनता तो संतुष्ट हो जाते ना, वो बनबे न किया है कहीं कुछ। देखिए, मोहल्लावासी का सीधा आरोप है कि हम अपने जो वार्ड पार्षद है उससे, उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। ये वार्ड पार्षद आपके मोहल्ला नौलखिया में जो है, वो नगर परिषद के अंतर्गत आता, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आप गांव में रह रहे हैं। हम लोग तो परेशान है 15 साल से, अभी तो हम क्या हम लोग बताएंगे, अभी तो चुनाव का टाइम है, दहशत में पड़े हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें,
इससे ज्यादा क्या बता सकेंगे हम लोग। आपके मोहल्ला में विकास जो है, आप क्या संतुष्ट हैं अपने विकास से? विकास से संतुष्ट कैसे हैं, ये जो भी वार्ड पार्षद आता है, अभी चेयरमैन का वोट मांगने के लिए आता है, सब देख करके जाता है, लेकिन किसी को अपने पेट से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, यही मामला है। पूरे मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में भी जो आप जल जमाव की समस्या है, निकासी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मधेपुरा में है। जिन्होंने भी चेयरमैन पद पर आसीन रहते हुए विकास का जो एक सामने दिखाया, विकास होगा, लेकिन पूरे मधेपुरा में भी जल जमाव की समस्या है। ये समस्या पूरी समस्या मधेपुरा की बनी हुई है। बेटा का चार गो बाल बच्चा है तो वकरा बाप बैठले छ, बेटा का मिल गेला, ई बोलू पहने बाप तब न बेटा, तो बाप ये खोपड़ी में छे आ बेटा को दे दल के इंदिरा आवास, बाप का की अंदल का बाप के ना पहने होना चाहिए। वार्ड नंबर एक में वार्ड पार्षद ने कितना विकास किया और गरीबों को क्या लाभ मिला, सरकार के द्वारा जो योजना है वो कितना गरीबों तक पहुंच पाया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। धोनी यादव। धोनी यादव जी, आप ये बताइए कि सरकार के द्वारा इंदिरा आवास का लाभ मिलता है, शौचालय का लाभ मिलता है, आपको क्या क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। तो आप अपने वार्ड पार्षद से शिकायत नहीं किए? हाँ, सब क्या छे, कुछ न की कहल का? कहल का हाँ दबा दबा की, हाँ दबा दबा नहीं दिल के यार कंचारी। गेले कई बार भेंट कर ला? तीन बेरी। हाँ। तोहर की नाम छे? दिनेश यादव। ओ, तोहर मने अलग घर चकी? हाँ, हे या हमर घर। तोरा मिल ला? हाँ, लैटरिंग रूम मिल ला, शौचालय मिल ला। हाँ। इंदिरा आवास नहीं मिल? नहीं। इंदिरा आवास के लिए आवेदन दलग रहा? दलिए तो आवेदन नहीं मिल नहीं मिल रहा।